सदर अस्पताल मधुबनी से डायलिसिस पेशेंट के हमेशा हमरा सबके कम्प्लेन आबे छल और फोन आबे छल जे ई सेवा इमरजेंसी सेवा छे 24/7, लेकिन हमरा सबके अचानक कोनो इमरजेंसी 10 के बाद जे छे से रात में होइत अछि त कोनो अत सुविधा नै छे, नै खुजल रहै छे। के जे भुगतान के लेल जे छे से फॉरवर्डिंग लेटर फॉर रिक्वेस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर टू डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के त्रुटिपूर्ण ढंग से अपलोड के मामला सामने एल, जहाँ पर फर्जी सिग्नेचर सिविल सर्जन के हस्ताक्षर के ई लोड भेला, जाहि के लक हम मधुबनी सदर हॉस्पिटल में एलौं हैं और सी एस से अगर बयान लेब पहुँचलों हैं जे आखिर की बात छे और बिना हस्ताक्षर के अगर एहन मामला घोटालेबाज अगर स्वास्थ्य में एले यऽ तऽ ई एकर केना की भऽ रहल छै, स्थानीय स्तर पर की कऽ रहल। अखन हम सी एस सर आयल छलौं हैं आ बस डायलिसिस में जे गड़बड़ी छलैया ओहिके इंक्वायरी करे के लेल जे हिनकर की बयान छन, लेकिन हिनकर रूडली व्यवहार जे छलन हैं एते जे नहीं हमरा नहीं कह के और अइ तरह हुनकर रूडली व्यवहार कतौ नहीं कतौ शर्मसार कऽ रहल अछि जे आखिर हिनका एगो मीडिया शालीनता से बात करय एलन हैं, लेकिन ओ मीडिया से अइ तरह बात कैलथि हैं जे हम खुद भी अहाँके कहै से शर्म फील कऽ रहल छी जे एकटा महिला भऽ कऽ हिनका साथ एते हम रिस्पेक्टफुली अइ गड़बड़ी वाला मामला हमे की कह चाहै छियै, लेकिन ई कह से कतरा गेला हमरा साथ रूडली बात केला, जो हम नहीं बोलेंगे तो मतलब नहीं बोलेंगे, मेरा मन हमको जो बोलना होगा वो हम बोलेंगे, जो बोलना नहीं होगा नहीं बोलेंगे। आप क्यों हमको समझाना चाहते हैं, जनता नेता क्या बोलना चाहते हैं, जनता को हमको क्या बताना है ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कीजिए, आप सर आप ही नहीं डिसाइड कीजिएगा, उससे भी ऊपर है वो करेगा, वो करेगा ना, उसको हमसे पूछ रहे हैं, हम उसको बताने जा रहे हैं, जैसे आप हमको बता रहे हैं, हम थोड़ा बताने जा रहे हैं, हम शालीनता से बात कर रहे हैं, आप हमारे और जनता के बीच में माध्यम है, तो जो चीज हमको जनता को बताना है जिससे जनता को फायदा होगा उसके लिए आपके साथ हैं हम और बराबर रहे हैं सर, जो माध्यम है तो माध्यम के साथ आप ऐसे रूडली बोल रहे हैं सर, रूडली नहीं आप हाँ आप तो इतना अग्रेसिव होकर बात है, डायलिसिस सेंटर 24/7 आवर्स का है सर, रात को हम लोग को फोन आता है, आपको नहीं बताने चाहिए, आपको जो आप जिस टॉपिक के लिए आए थे उस टॉपिक को हम नहीं बोलेंगे, ये बात शुरुआत में हम प्रेम से बोल दिए हैं, आप बार बार एक ही बात को बोलिएगा और जनता जनता कीजिएगा तो हम सॉरी बोलेंगे सर, जनता के लिए आप भी हैं हम भी हैं, सॉरी बोलेंगे हम, ठीक है सॉरी बोल दीजिए, लेकिन अग्रेसिव बहुत ज्यादा होके सर हम शालीनता से बात कर रहे हैं, ये भी सॉरी बोलेंगे सर। ये इस सेंटर का डायलिसिस सेंटर का ये डॉक्टर सब रहते हैं, लेकिन 24/7 आवर्स में तो कंप्लेन आता रहता है, कौन पेशेंट है जो कंप्लेन किया, मेरे यहाँ जितना स्टेशन साइट है सबका दिया हुआ है कंप्यूटराइज्ड, कौन कितने रात को नहीं खुला रहता, रात में भी आवश्यकता अनुसार जब पेशेंट आते हैं तब खोलते हैं, कोई ऐसा मरीज नहीं है, डायलिसिस एक्चुअली इमरजेंसी है, जिस ऐसा मरीज जो रात में आएगा उसको तुरंत खोल करके सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसे ये 9 बजे रात तक चलता है, सबका पेशेंट्स का डिटेल है, पेशेंट कितना निरीक्षण हम भी आए हैं किए हैं, तो रात में पेशेंट रहेगा मैडम तब ना, डायलिसिस वाले से पूछिए वो, हाँ डायलिसिस वाले के ही हम लोग रिटेन में दिए हुए हैं, इन लोग जवाब भी दिया है, स्टेट को भी इंफॉर्मेशन किए हुए हैं, जितना हम लोगों का काम है वो मैडम सारा चीज किए हुए हैं, ठीक है, अब पेशेंट जो है लौटता नहीं है, अगर एक भी पेशेंट हमको फोन करे तो तुरंत हम खुलवा करके करेंगे, लेकिन रात में कोई ऐसा नहीं फोन किया, शाम में किया है तो उसको करवाए, 9 बजे रात तक चला है, अच्छा लेकिन मतलब यहाँ फोन करने पर खुलता है, ये नहीं पहले पर क्यों है कि अभी जैसे यहाँ पर जो हमारे पास वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि समझा ओपीडी की तरह जो कोई आया डॉक्टर से दिखाए चले, ठीक है ना, जो भी आते हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, यहाँ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके बाद उसका डायलिसिस होता है, ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पेशेंट है उनको अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो हम लोग आकर के खोल देते हैं, उनका डायलिसिस करते हैं, मान लीजिए जिसका रजिस्टर्ड नहीं है अचानक उसको जरूरत है डायलिसिस का, अचानक 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में, तो फिर वैसे तो पेशेंट हमको कॉल आता है सर, हमको कॉल आता है, एक दो दिन हम खुद आए हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखे हैं, जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिसको मोबाइल नहीं है, अभी भी बहुत सारे हैं ना, 24 घंटा नहीं है, आपको हम फोन करें तब आप खोलिएगा, जो पेशेंट गाँव घर का है जिसको फोन नहीं है, गवार है, नहीं पढ़ा लिखा है, आप समझ नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि डायलिसिस में क्या है, आपको हर एक मतलब हर 3-4 पॉइंट को नोट किया जाता है,
ठीक है, उनका सेरोलॉजी रिपोर्ट, उनका सेरोलॉजी रिपोर्ट कंपलसरी है, बिना सेरोलॉजी का हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली आपको मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको इमरजेंसी जहाँ पर बात है, अगर किसी को गांव घर से इमरजेंसी हुआ आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लिखा करके एक दो डायलिसिस वहाँ लेकर के, फिर हमारे पास जो डायलिसिस होता है जिनका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया कि तमाम जीवन तक वो जिंदा रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनका चेक करके और फिर उनका डायलिसिस करते हैं। इमरजेंसी मतलब कोई भी आ गया तो उसका हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, उसका आप नहीं कर सकते हम, वो उसके लिए फिर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, वहाँ दो डायलिसिस लेना पड़ेगा, उनका कैनुला एक्सेस चेक करना पड़ेगा, अचानक वाले को पहले मेडिकल कॉलेज जाना, फिर वहाँ से वो कर दिया कि नहीं आप रेगुलर डायलिसिस आपको लेना है, सब जब तक इंसान जिंदा है तब तक डायलिसिस कराना है, फिर वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, आपका बात हम मानते हैं, फिर भी बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बस ये अपोलो डायलिसिस सेंटर है उनको इतना ही जानकारी, जैसे अब हम ही आए हमको इतना जानकारी नहीं था, सही बात बोल रहे हैं, तो जब हमको नहीं जानकारी, पढ़े लिखे हैं हमको नहीं जानकारी था, तो समझ जाइए कितने को नहीं है, 99 को नहीं होगा सर, ये तो समझ है। हाँ तो वो सीधे आता है पेशेंट, जब जहाँ सदर हॉस्पिटल है, अस्पताल है, हमको जाना है, डायलिसिस सेंटर है, वहाँ जाना है हमको डायलिसिस करना है, तो फिर उस सब पेशेंट को क्या किया जाए, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन के लिए तो इमरजेंसी 24/7 जो होता है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ये खुला होना चाहिए, आप जानकारी दे दीजिए, हाँ ऐसे आप जाइए पहले जनरेटर पे नहीं चलता है, ठीक है उसके लिए बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, अपोलो टेंडर ले रखा है, अपोलो नंबर 2 सचिव। आप पी मोड में संचालित डायलिसिस सेंटर में बहुत बड़का एक गड़बड़ी सामने एला, ई मामला सदर अस्पताल मधुबनी आ समस्तीपुर में संचालित डायलिसिस केंद्र से संबंधित है, अहाँ सबके बता दीजिए अखन हमर उपस्थिति मधुबनी सदर हॉस्पिटल में देख रहा है पाछा अपोलो डायलिसिस, आ जेना पहले कहलूँ है पी 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 यानी निजी सार्वजनिक सहभागिता मोड में जे छे से ई संचालित होइ छे डायलिसिस, जेमे बहुत बड़का एकटा गड़बड़ी एला, गड़बड़ी की एला तो गड़बड़ी एला जे एहि दुनू जगह पर संचालित डायलिसिस सेंटर के विपत्र के जे भुगतान के लेल जे छै से फॉरवर्डिंग लेटर फॉर रिक्वेस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर टू डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के त्रुटिपूर्ण ढंग से अपलोड के मामला सामने एला, जै पर बिना सिविल सर्जन के हस्ताक्षर के ई लोड भेला, जाहि के लऽ कऽ हम मधुबनी सदर हॉस्पिटल में अयलहुँ हैं और CS सँ एकर बयान लेबऽ पहुँचलहुँ हैं जे आखिर की बात छै, और बिना हस्ताक्षर के अगर एहन मामला घोटालेबाज अगर स्वास्थ्य में अयलै यऽ तऽ ई एकर केना की भऽ रहल छै, स्थानीय स्तर पर ई की कऽ रहल छथिन, आ सङ्गी डायलिसिस सँ सम्बन्धित बहुत सारा पेशेंट सेहो कम्प्लेन करै छथि जे ई 24/7 आवर्स जे छै से चलऽ वला छै, इमरजेंसी में अगर कोनो पेशेंट आबै छै डायलिसिस के लेल तऽ अतः हुनका असुविधा नहि देल जाइ छै, तऽ दू चारिटा हमरा लग प्रश्न छल जे आखिर गड़बड़ी जे बिना हस्ताक्षर के आगा बढ़ेलक है तो आखिर की है, केना बढ़ेलकै और ओहि के लेल जे छै से ओ की कह रहल की प्रोसेस केलखिन हँ, आगा विभाग के केना कहलखिन हँ, और निजी स्तर पर जे छै से ओ की केना जाँच करवा रहल छथिन और की कह रहल छथिन, जाहि के लऽ कऽ CS बाजै सँ इनकार नहि हमरा साथ एहन रूडली व्यवहार कयलथि, आखिर हम ई सुनि कऽ अचंभित छी, जखन एकटा मीडिया सङ्ग CS के अगर एहन व्यवहार हैत तऽ ई डॉक्टर तमाम जे हॉस्पिटल मे डॉक्टर हेथिन या बाकी कर्मी हेतै ओकरा सङ्ग ओ CS के कोन तरहक व्यवहार हेतै, आ जखन CS के व्यवहार डॉक्टर के सङ्ग एहन हेतै तऽ आखिर डॉक्टर जे काज कऽ रहल छथि ओकरा कतेक परेशानी होइत हेतै, बाकी कर्मी के कतेक परेशानी होइत हेतै, आ जे CS के अहाँ सब सुनबै जे हमरा साथ केना बात कऽ रहल छथि जे बयान हमको नहीं देना है, मतलब नहीं देना है हमको, क्या बोलना है सो हम जानते हैं हम वही बोलेंगे, यानी हम जो बोलेंगे वही बोलेंगे, आप जो आ गई पूछने के लिए हम नहीं बताएंगे, यानी यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुआ है चाहे वो पेशेंट के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, किसी के साथ हुआ है, हम तो आपसे बयान लेने के लिए आए हैं, आखिर ये जो गड़बड़ी आई है सामने वो आखिर क्या है, जनता भी तो जाने आखिर क्या है, तो और जो पहले कहलूँ हैं जो 24/7 आवर्स में भी गड़बड़ी छै, जे डायलिसिस बहुत पेशेंट हमरा सबके फोन करै छथि जे कोनो इमरजेंसी में राति में अतः ओपन नहीं रहै छै, हुनका सबके इन्फॉर्मेशन अतः से नहीं भेट पाबै छै, जे के लेल एकटा सवाल छल ओहो सवाल लऽ कऽ हुनका लग गेलहुँ हैं, लेकिन कोनो भी सवाल कह सँ मना कऽ देलथि, कतरा गेलथि, आओर जे अहाँ सब ई हुनकर रिकॉर्डेड जे बात अछि से अहाँ जानबै जो हमरा साथ केना बात करल छथि, जो हमको जो बोलना होगा हम वही बोलेंगे, आप मुझे समझाने वाली नहीं होती हैं, या आप बहुत आपसे हम ज्यादा सीनियर हैं, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम इस पोस्ट पर हैं, एहि तरहक एक CS के व्यवहार
आबो दुखा दे और हमरा मधुबनी के लिए बहुत ज्यादा दुखा दे जे हमर मधुबनी में जे पेशेंट छे जे गरीब पेशेंट छे आ अगर हॉस्पिटल अबे छे अगर कोनो डॉक्टर नहीं रहे छथिन आ या की डॉक्टर के कंप्लेन छे या कोनो डॉक्टर के ही बिहेवियर आ सीएस अगर ए तरह करे थे तो फिर डॉक्टर जे एकटा पेशेंट के लिए जनता के लिए लोग के लिए भगवान माने छे तो ओ डॉक्टर के इलाज करे में केना मन लगते आखिर जे सीनियर सीएस छे ओकर व्यवहार कतो नहीं कतो बहुत ही गड़बड़ है बहुत दुखनीय है बहुत शर्मनाक है और हमरा बुझाया मधुबनी जिला के लिए बहुत बड़का दुखद बात है।